नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। मेरी लिखी हुई अन्य कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नीरज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, दिव्या ने रात के लगभग 2 बजे अपने पति को जगाते हुए कहा। नीरज आंखें मलते हुए उठ बैठा। उसने पत्नी का माथा छूकर देखा तो उसका माथा गर्म तवे के समान तप रहा था। नीरज घबरा गया और वह तुरंत दिव्या के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगा। अब इतनी रात को वह दिव्या को डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकता था। किसी तरह रात कटी और सुबह सवेरे नीरज जल्दी से अपनी माँ दमयंती जी के कमरे में गया। दमयंती जी अभी सोकर उठी ही थी। नीरज को सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर उनके चेहरे पर प्रश्न झलकने लगा। नीरज कहने लगा कि माँ, दिव्या की तबीयत बहुत खराब है, आज आप जल्दी से नाश्ता बना दो, मैं उसे कुछ खिलाकर डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बेटे की बात सुनते ही दमयंती जी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, अभी तुम्हारी शादी को 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और महारानी को बीमारी होने लगी। नीरज अपनी माँ की बात सुनकर चौंक गया। उसने अपनी माँ के मुंह से पहले ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। उसने हैरानी से कहा, माँ आज ये आप कौन सी भाषा में बात कर रही हो, जल्दी से नाश्ता बना दो प्लीज, मैं भी आ रहा हूँ आपकी मदद के लिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। दमयंती जी मुंह बनाते हुए रसोई घर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि बात केवल बहू की ही नहीं थी, नाश्ता तो उन्हें भी चाहिए था और उनके बेटे को भी चाहिए था, इसलिए मन मार कर वह नाश्ता बनाने लगी। नीरज भी रसोई में माँ की मदद करने लगा। दिव्या और नीरज की शादी को अभी 25 दिन ही हुए थे, क्योंकि दोनों की सगाई और शादी में 6 महीने का अंतर था, इसलिए सगाई के बाद बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए थे, इसलिए शादी के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ध्यान भी रखते थे। शादी के बाद नीरज की तो दुनिया ही बदल गई थी। नीरज हमेशा से शांत और मौन रहने वाला लड़का था, इसलिए उसके दोस्त भी बहुत कम थे और लड़कियों से तो उसने कभी दोस्ती की ही नहीं थी। उसे लड़कियों से बात करने में बहुत झिझक महसूस होती थी, लेकिन दिव्या वो पहली लड़की थी जिसके साथ वो दिल खोलकर अपनी बातें शेयर करता था। नीरज दिव्या को अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाकर बहुत खुश था, वहीं दिव्या भी नीरज को अपने पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। छोटा सा तो परिवार था उनका। नीरज सुबह ऑफिस चला जाता और घर पर दिव्या और उसकी सास दमयंती जी दोनों रह जाते। दिव्या बहुत ही फुर्तीली लड़की थी, इसलिए घर का काम फटाफट से निपटा लेती थी और उसके बाद खाली समय में वो पेंटिंग किया करती थी। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। दमयंती जी शुरुआत में तो बहू के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू आपस में बहुत घुल मिलकर रहने लगे हैं, तो यह बात उन्हें बहुत खटकने लगी। पता नहीं क्यों उन्हें अपनी बहू से ईर्ष्या होने लगी और वो अब सोचने लगी कि मेरा बेटा अब बहू के बहकावे में ना आ जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। ऐसे में असुरक्षा की भावना से ग्रसित होने के बाद बहू के प्रति उनका व्यवहार कठोर होता चला गया। दिव्या भी यह सब महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अभी शादी को 1 महीने भी पूरे नहीं हुए और सासू माँ का रंग बदलने लगा है। वो अपनी सास को खुश रखने का भरपूर प्रयास करती थी, लेकिन उसकी सास तो चाहती थी कि दिव्या अपने पति से दूर रहे, जो कि संभव ही नहीं था, इसलिए दिव्या को लगता था कि सास को खुश रख पाना असंभव काम है। सास बहू से चिढ़ी हुई थी, इसीलिए आज सुबह जब बहू के लिए उन्होंने नीरज को परेशान देखा तो और भी खींच गई। नाश्ता बन गया था, नीरज दिव्या को भी खाने के लिए बुला लाया। एक ही रात में दिव्या बहुत कमजोर नजर आने लगी थी। नीरज और दिव्या नाश्ता करने लगे। दमयंती जी वहीं बैठकर खा रही थी। उन्होंने बात छेड़ते हुए कहा, अरे बेटा आज तो ऑफिस से छुट्टी ले लेना। नीरज ने कहा, हाँ माँ, दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाना है तो छुट्टी तो मैं ले रहा हूँ। दमयंती जी झुंझला उठी और कहने लगी, अरे मैं हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो भूल गया, आज मेरी सहेली की बेटी की शादी है ना, तो हमें वहां जाना है। नीरज ने कहा, लेकिन माँ मैं दिव्या को ऐसी स्थिति में शादी में लेकर कैसे जा सकता हूँ, एक तो ये इतनी कमजोर लग रही है, ये शादी में कैसे जाएगी। दमयंती जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो इसे ले जाने के लिए कौन कह रहा है, तू मेरे साथ चल, मैं वहां अकेले कैसे जाऊं। नीरज कहने लगा कि यहाँ दिव्या बीमार है तो मैं शादी में कैसे जाऊंगा। दमयंती जी मुंह बनाते हुए कहने लगी,
तू तो पति बनते ही पत्नी के प्रति फर्ज निभाने वाला बन गया है, माँ के प्रति फर्ज नहीं निभाएगा तू? नीरज को माँ से बड़ा लगाव था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद से बहुत संघर्षों के साथ उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए वह माँ की बात का मान रखता था और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता था। नीरज का उतरा हुआ चेहरा देखकर दिव्या कहने लगी कि मैं अकेले रह लूंगी, आप मम्मी जी के साथ शादी में चले जाइएगा। नीरज का मन तो नहीं था, लेकिन माँ की इच्छा के लिए वो जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नीरज ने कहा कि सबसे पहले मैं दिव्या को डॉक्टर के पास दिखा कर आता हूँ, फिर हम शादी में चलेंगे। नीरज जल्दी से दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई दी और दिव्या को आराम करने के लिए कहा। घर आने के बाद दमयंती जी ने कहा कि दिव्या, बुखार में तो वैसे भी खाने का मन नहीं करता है, एक काम करना, तुम अपने लिए खिचड़ी बना लेना, हम लोग शादी में जाने के लिए निकल रहे हैं। दिव्या ने कहा, हाँ मम्मी जी, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, दवाई लेने के बाद बहुत आराम है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। नीरज शादी में चला तो गया था, लेकिन उसका मन दिव्या में ही अटका हुआ था। वो बीच बीच में दिव्या से फोन पर बात करके उसका हाल चाल ले रहा था। दिव्या पति की इस अदा पर खिल उठी थी। उसने मुस्कुराते हुए नीरज से कहा कि आप अच्छे से शादी में एंजॉय करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शाम तक मैं एकदम भली चंगी हो जाऊंगी। दिव्या की बातें सुनकर नीरज मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि बीमारी में भी इतनी हिम्मत भरी बातें कर रही है। दिव्या ने दोपहर में अपने लिए खिचड़ी बनाई थी, लेकिन उसका मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए उसे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। किसी तरह उसने एक कटोरी खिचड़ी खाई और दवाई खाकर सो गई। शाम को जब वो उठी तो उसकी चाय पीने की इच्छा हुई। वो चाय बनाकर टीवी ऑन करके चाय पीने लगी। तभी दमयंती जी और नीरज शादी से वापस आ गए। दिव्या को टीवी देखते हुए देखकर दमयंती जी कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो गई लगता है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। नीरज थोड़ा थका हुआ था, इसलिए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्या रसोई में डिनर बनाने के लिए चली गई, क्योंकि अब उसे भूख लग रही थी। वैसे भी उसने दोपहर में खाना कम ही खाया था। उसने सोचा कि आज डिनर जल्दी बना लेती हूँ, जल्दी से खाना खा लूंगी। दिव्या ने जल्दी जल्दी आलू मटर की रसेदार सब्जी, रोटी और दाल बनाई। उसने कमरे में जाकर नीरज से पूछा कि मैं आपके लिए खाना लगा दूं क्या? तो नीरज कहने लगा कि नहीं यार, आज जरा देर से खाऊंगा, शादी में बहुत भारी खाना था तो अभी मुझे भूख नहीं लग रही है। दिव्या दमयंती जी के कमरे में गई और उसने उनसे भी पूछा, मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना लगा दूं क्या? दमयंती जी कहने लगी, अरे नहीं बहू, शादी में बहुत कुछ खा लिया था, अब तो मेरा पेट भरा हुआ है। तब दिव्या ने सोचा, ठीक है, फिर मैं खाना खा लेती हूँ और ये लोग जब कहेंगे तब दोनों को खाना दे दूंगी। अब उसे और जोर की भूख लग गई थी। उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैंने खाना जल्दी बना लिया, लगता है दवाइयों के असर से भूख भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वो रसोई में गई और थाली निकालने लगी। तभी दमयंती जी रसोई में पानी पीने के लिए आई। दिव्या ने खाना तो जल्दी बना लिया था, लेकिन जैसे ही वो अपने लिए खाना परोसने लगी, दमयंती जी की नजर उस पर पड़ गई और वो आश्चर्य से पूछने लगी, अरे बहू, खाना किसके लिए परोस रही हो? भाई, मेरा तो अभी खाने का मन नहीं है और नीरज भी खाना खाने के लिए मना कर चुका है, तो ये थाली किसके लिए परोसी जा रही है? दिव्या ने कहा, मम्मी जी, मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, आप लोग जब कहेंगे आपका खाना लगा दूंगी। दमयंती जी गुस्से से भर उठी और चिल्लाते हुए कहने लगी, हे भगवान, बहू घर में उल्टी गंगा बहाने पर तुली हुई है, भला पति से पहले पत्नी खाना कैसे खा सकती है? ऊपर से मैं घर की बड़ी हूँ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। तो तुम कैसे खा सकती हो? जब नीरज खाना खाएगा तो तुम उसके बाद ही खाना खाना, उसके पहले तुम नहीं खा सकती। दिव्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी सास कौन से जमाने की बात कर रही है। उसने हैरानी से कहा कि मम्मी जी, मुझे भी अपने पति से पहले खाना खाने का कोई शौक नहीं है, अकेले भोजन करना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं दोपहर में खाना ठीक से नहीं खा पाई थी, अभी मुझे भूख लगी है और उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है, इसीलिए तो मैंने जल्दी से खाना बना लिया था। अब किसी और को भूख नहीं है तो उसके लिए मैं क्यों भूखी रहूं? यह क्या बात हुई भला, सब अपनी भूख के हिसाब से खाना खा सकते हैं, तो अगर मुझे जल्दी भूख लग गई है तो मैं खाना क्यों नहीं खा सकती हूँ? दमयंती जी चिढ़ गई और कहने लगी, बहू, तुम कितना पटर पटर बोलती हो, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, हमारे जमाने में तो सास के सामने हमारा मुंह ही नहीं खुलता था, और एक तुम हो जो मेरी बातों का उल्टा जवाब देती हो।
दिव्या ने बहुत ही सहज स्वर में कहा, मम्मी जी मैं कोई उल्टा जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि सभी को अपनी भूख के हिसाब से भोजन करने का अधिकार है, और अगर मुझे अभी भूख लगी है तो मैं अब भी खाना खाऊंगी, और मुझे नहीं लगता है कि नीरज को इस बात से कोई आपत्ति होगी। दमयंती जी चीखते हुए बोली, नीरज के कहने या नहीं कहने से क्या होता है, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे इस बात पर एतराज है, तो क्या तुम्हारे लिए मेरी बात का कोई मोल नहीं है। दिव्या ने सपाट लहजे में कहा, मम्मी जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप ऐसी बेतुकी बातें करेंगी और मैं यह सब नहीं मानूंगी तो आपको लगेगा कि मैं आपका अपमान करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी नजरों में जो सही है वो सही है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हैं? छोटे से खाने की बात को लेकर आप इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रही हैं? इस बात को अपने मान सम्मान का प्रश्न ना ही बनाए तो अच्छा है। दमयंती जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि यह देखो, नई बहू को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ और उसने सास का अपमान करना शुरू कर दिया। दमयंती जी का रोना चिल्लाना सुनकर नीरज अपने कमरे से बाहर आया और घबरा कर पूछने लगा कि माँ क्या हुआ, यह शोर कैसा है। दमयंती जी बेटे के सामने आंसू बहाते हुए कहने लगी, देख ले बेटा तेरी पत्नी मुझसे कैसे लहजे में बात करती है, इसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है, यह मेरी बात नहीं मानती है और पलटकर मुझे उल्टा जवाब देती है। लगता है इसके माँ बाप ने इसे संस्कार नहीं दिए हैं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अब दिव्या को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा, मम्मी जी इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे माता पिता का नाम बीच में क्यों ला रही हैं? दमयंती जी बेटे से सहानुभूति लेने के लिए वही फर्श पर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, पहले मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, सोचा था बेटे के सहारे जिंदगी काट लूंगी, लेकिन अब बहू मुझे चैन से जीने ही नहीं दे रही है। माँ का विलाप देखकर नीरज का मन भर आया और वो माँ के पास बैठकर उन्हें चुप कराते हुए कहने लगा, माँ आखिर बात क्या है। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता हूँ, माँ ने मुझे कितने संघर्षों से बड़ा किया है, अब इस उम्र में मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। दिव्या चिढ़ गई और कहने लगी, तो मैंने इन्हें कौन सा दुख दे दिया, बात इतनी सी है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, अब आप लोगों का पेट भरा हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं दिन में भी ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, मुझे दवाई भी लेनी है तो मैंने सोचा कि खाना खाकर दवाई ले लेती हूँ, बस मम्मी जी शुरू हो गई, मैंने तो बस इतना ही कहा कि मैं तो खाना खाऊंगी, लेकिन इनका कहना है कि पति से पहले पत्नी खाना नहीं खा सकती, आप बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ। नीरज ने अपना सिर पकड़ लिया और माँ को समझाते हुए कहने लगा कि माँ इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी, खाने पीने को लेकर इतना कलह करना अच्छी बात है क्या, अगर दिव्या को भूख लगी थी तो खाना खाने दो ना उसे, वो पहले खा लगी तो उसमें मेरा क्या नुकसान है। दमयंती जी हैरानी से बोली, बेटा तू भी बहू के साथ शुरू हो गया, अरे पत्नी पति से पहले खाना कैसे खा सकती है। नीरज ने प्यार से कहा, माँ पति हो या पत्नी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसको जब भूख लगेगी वह खाना खा सकता है, अब तुम ही देखो दिन में हम दोनों शादी में गए थे और वहां हमने कितने लजीज व्यंजन खाए या नहीं, लेकिन यहाँ देखो दिव्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने खिचड़ी बनाई थी और बेचारी वह भी ठीक से नहीं खा पाई, एक तो वैसे ही ये बीमार है, ऊपर से ये घर का काम भी कर रही है, अब अगर इसे भूख लगी है दवाई लेनी है तो आप इसे क्यों रोक रही हो, इतनी छोटी छोटी बातों पर घर में कलह मचाने से क्या मिलेगा। दमयंती जी चुप हो गई थी। नीरज ने दिव्या से कहा कि हम बाद में खा लेंगे, तुम एक काम करो तुम जाओ खाना खा लो और दवाई लेकर आराम करो। सास का तमाशा देखकर दिव्या का मन खिन्न हो उठा था, लेकिन फिर भी उसने खाना खाया और दवाई खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। दिव्या सही थी, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सास ने छोटी सी बात का तमाशा करके घर का माहौल खराब कर दिया था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि नीरज ने सही बात पर उसका साथ दिया था। इधर नीरज ने पत्नी का साथ दे तो दिया था, लेकिन फिर भी उसका मन बहुत दुखी था कि घर में पहली बार इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था। वो हमेशा दूसरों के घरों में झगड़े की बातें सुनता रहता था, लेकिन आज उसने देख लिया था कि शादी होते ही एक माँ किस तरह बदल जाती है। यही छोटे छोटे झगड़े बड़े बड़े विवादों का रूप ले लेते हैं और जीवन बोझ के समान हो जाता है। दोस्तों, लड़ाई झगड़े और मन मुटाव तो हर परिवार में होते हैं, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए कलह करने से रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदलने लगती है। पता नहीं क्यों कुछ लोग जानबूझकर घर में ऐसा तनावपूर्ण माहौल पैदा कर देते हैं।
जिससे घर के बाकी सदस्यों को घर में रहने का मन ही नहीं करता है। इसलिए सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में सुख शांति से रहने में ही भलाई है। झगड़ा करने के बाद किसी को क्या हासिल होता है? किसी एक व्यक्ति पर अधिकार भाव जताने के लिए या घर में अपनी सत्ता चलाने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर अन्याय करने लगता है, लेकिन उससे ना तो उनका खुद का बेटा खुश रह पाता है और ना ही परिवार खुश रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।